बीजेपी से टिकट का ऐलान होते ही बीजेपी के कार्यालय में डॉक्टर एमपीआर जी के समर्थकों की एक भारी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं, नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र है ये, यहाँ पर बीजेपी से चार लोग बीजेपी से टिकट के दावेदार थे, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर एमपीआर जी जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और पिछली बार भी इन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा था। क्या वजह रहती जो पिछली बार टिकट नहीं मिला, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर इन पर विश्वास किया है और टिकट दिया है। आज पार्टी ने जो है टिकट का ऐलान किया है, तो टिकट का ऐलान होते ही हम यहाँ पे देख रहे हैं इनके कार्यालय पर भारी भीड़ इनके समर्थकों की यहाँ पे देखने को मिल रही है। डॉक्टर एम पी आर जी देखने जिस तरह से दूल्हा बने हुए हैं, उनके फूल मालाएं पड़ी हुई हैं, पगड़ी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। टिकट का ऐलान होने के बाद यहाँ पे जिस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं, मेरे साथ इस समय मौजूद हैं बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर एमपीआर जी, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जो टिकट का ऐलान हुआ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे क्या रणनीति आपकी रहेगी जो आप जनता के बीच जाएंगे? नहीं, जनता तो नवाबगंज की वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँगा कि मेरे साथ बड़ा प्रेम और स्नेह रहता है। इसी प्रेम स्नेह के साथ और भारतीय जनता पार्टी ने जो अब तक काम किए हैं उन्हीं को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। किन किन लोगों का इसमें सहयोग रहा था? सहयोग सभी कार्यकर्ताओं का है, सब कार्यकर्ताओं ने बड़े मनोयोग के साथ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किया है, और इसी का ये परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ न्याय किया है और नवाबगंज विधानसभा में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। डॉक्टर साहब, आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, पिछली बार भी आपने बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन क्या वजह रही आपको टिकट नहीं मिला? उसके बाद आपने जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया था, लेकिन इस बार पार्टी ने आप पर भरोसा जताया और आपको टिकट मिला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 1985 में मैं नवाबगंज आया था, तभी से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा हूँ। 2002 और 2007 में मैं चुनाव लड़ा था, ये बात ठीक है, वातावरण उस समय अनुकूल नहीं था भाजपा के, लेकिन इसके बाद भी बहुत अच्छे वोट मुझे मिले थे। मैं नवाबगंज की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने लंबे समय तक मुझ पर विश्वास व्यक्त करते रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये मौका दिया है। तो डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे रोजगार विकास के नाम पर चुनाव होगा या हिंदुत्व के नाम पर चुनाव होगा? निश्चित रूप से विकास के नाम पर चुनाव होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में जितने काम किए हैं बाकी सरकारें 70 साल में भी उतना काम नहीं कर पाई, और नवाबगंज विधानसभा में कीर्तिमान स्थापित किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। योगी जी ने जो अभी एक इंटरव्यू में अपने आंकड़े पेश किए थे 80 बनाम 20, तो इसमें माना जा रहा है कि विशेष समुदाय को जो है टारगेट किया गया था, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। 80-20 से कहने का मतलब है 80% में भारतीय जनता पार्टी रहेगी और 20% में बाकी पार्टियां रहेंगी। नवाबगंज में आप अपनी फाइट किससे मानते हैं? नवाबगंज में अभी तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, बाकी पार्टियों के प्रत्याशी भी तय हों तब ये निर्धारित होगा कि कौन किसके मतलब टक्कर में आता है। क्या मानना है आपका जो है पूर्ण बहुमत से इस बार बीजेपी फिर दोबारा सत्ता में वापसी की करेगी? बिल्कुल 100% करेगी, पहले से कहीं बेहतर बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर एमपीआर जी, भाजपा से जो टिकट के दावेदार थे अब तक, लेकिन आज क्लियर हो गया है भाजपा के प्रत्याशी। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से हर्षोल्लास से यहाँ पे मना रहे हैं, आपको कैमरे के सामने मैं दिखाना चाहूंगा। ये इनका कार्यालय है यहाँ पर, जिस तरह इनके समर्थकों की एक भारी भीड़ देखने को मिल रही है, काफी लोग खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग डॉक्टर एमपीआर जी के साथ सेल्फी लेने को लगे हुए हैं। आपको हम आगे भी इस तरह की खबरें दिखाते रहेंगे, बने रहिए परवेज अंसारी के साथ। तो यहाँ पे डॉक्टर एमपीआर जी के कार्यालय पर हम मौजूद हैं, टिकट के ऐलान के बाद यहाँ पर जिस तरह से भीड़ जुटी हुई है, यहाँ पर काफी संख्या में उनके समर्थक आए हुए हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राजीव गंगवार जो एडवोकेट हैं, उनसे बात करते हैं। राजीव जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, जानना चाहेंगे, राजीव जी को आज बीजेपी से टिकट मिला है, क्या कहना चाहेंगे राजीव जी? डॉक्टर आर्या जी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने नवाबगंज के लिए जो काम किया, आज तक लगे रहे बीजेपी के लिए, तन मन धन से लगे रहे, 85 से लगे रहे, आज उनको मुकाम मिला है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई है डॉक्टर आर्या जी के लिए। पिछली बार इन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला था, इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया था, लेकिन इस बार पार्टी ने भरोसा जताया है, तो क्या कहेंगे? पार्टी ने भरोसा जताया है तो निश्चित रूप से बीजेपी की जीत होगी, यहाँ से डॉक्टर आर्या की जीत होगी। क्या कहेंगे भैया, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम विवेक रस्तोगी, एडवोकेट विवेक रस्तोगी। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? नगर के वरिष्ठ डॉक्टर जी हैं, मतलब यहाँ से जब इन्हें टिकट मिला है तो भरोसा सबका है, तो अच्छा विकास भी होगा। मतलब नगर के जो डॉक्टर जी हैं इनसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, और ये उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे। डॉक्टर साहब, आप जो हैं आपके उस्ताद हैं डॉक्टर एम पी आर्य जी, जी, और आज उन्हें टिकट मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपने जो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने अधिकारी हैं एवं यहाँ की जनता का सहयोग और स्नेह है, मैं उनको कहना जी धन्यवाद दूंगा। और मेरे पुराने कार्यकर्ता आरएसएस के संघ के एवं भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता उनके साथ और सहयोग करेंगे, मैं इन्हीं बात में अपना धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? अजय गंगवार। यहाँ जिस तरह से बीजेपी ने भरोसा किया और नगर के प्रत्याशी को जो टिकट दिया है, तो डॉक्टर साहब के लिए क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब एक महान व्यक्ति हैं और टिकट यहाँ इंसानियत का हुआ है, जो होना चाहिए। डॉक्टर साहब से भला व्यक्ति शायद कैंडिडेटों में मुझे तो कोई दिखता नहीं है, जिनके पास गरीबों के लिए दया भी है और हमेशा लोगों की चिंता करते हैं। डॉक्टर साहब एक बहुत भले ही व्यक्ति हैं और सब लोग तन मन से चुनाव लड़ाएंगे। क्या कहना चाहेंगे जो डॉक्टर साहब का आज टिकट हुआ है? भारतीय जनता पार्टी ने आज जितनी भी चर्चाएं थी उन सबको विराम देते हुए डॉक्टर एम पी आर्य को टिकट देने के बाद ये साबित कर दिया कि पार्टी वाकई में निष्पक्ष तरीके से, निस्वार्थ तरीके से टिकट का वितरण करती है। सारी अफवाहों को विराम दिया, क्योंकि डॉक्टर साहब आज से नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तब से संभाला है इस नवाबगंज क्षेत्र में, जब यहाँ पार्टी का कोई वजूद नहीं था, और तब से उन्होंने यहाँ पर उसका झंडा बुलंद किया। आज पार्टी ने दिखा दिया कि वाकई हमारे जो कार्य करने की प्रणाली है वो निष्पक्ष है, निस्वार्थ है, कोई पैसा या कहीं से ऐसा कुछ नहीं, और जो जन जन से जुड़ा हुआ प्रत्याशी है और जो प्रत्याशी सबकी सुने, सबको एक साथ लेके चले, आज उसको पार्टी ने टिकट देकर साबित कर दिया वाकई कि भारतीय जनता पार्टी निस्वार्थ भाव से ही काम करती है। चाचा आपका क्या नाम है? मैं रामनिवास गुप्ता। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में? देखिए डॉक्टर साहब यहाँ पर 1985 से आए हैं और मेरा उसी समय से उनका साथ है, और डॉक्टर साहब की मैंने ये भावना देखी है कि वो गरीबों को और अमीनों को और बड़े लोगों को जब आते हैं तो उनमें कोई भेद नहीं समझते, बड़े निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं। और डॉक्टर साहब के मैंने अपनी आंखों से देखा है, डॉक्टर साहब ने गरीबों को दवाई मुफ्त में बांटी है, मेरे सामने दवाई बांटी, मैंने स्वयं देखा था इस चीज़ को बांटते हुए देखा था। और दूसरे यहाँ की युवा जन जन की पब्लिक के यहाँ देहात के सबकी इच्छा थी डॉक्टर साहब को एक बार मौका अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अपने कार्य में बड़ी बड़ी निष्पक्षता से, बड़ी ईमानदारी से और लगन से काम किया है, और हमेशा से बीजेपी को उन्होंने समर्थन दिया है और संघ के लिए अपने जी जान से जुटे रहे हैं। आज उसी का ये परिणाम है कि हमें ये अवसर मिला है कि डॉक्टर साहब के हम जो है अपने सेवा से, अपने सहयोग से डॉक्टर साहब को जिताएं। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने जनता की सेवा की है, तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में डॉक्टर साहब को वो समर्थन मिलेगा? नहीं, डॉक्टर साहब को समर्थन मिलेगा और ये बहुत बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद है डॉक्टर साहब को दे रहे हैं, हम लोग बीजेपी के ही समर्थक हैं इसमें, और डॉक्टर साहब को कामयाबी मिलेगी। हमारी सारी पब्लिक ये चाहती है डॉक्टर साहब को टिकट मिलना चाहिए, आज ये मिल गया, बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी बात ही से काम कर, तो हमने आपको दिखाया, हमारे साथ एक मेहमान और यहाँ पे बने हुए हैं जी, नाम जानना चाहेंगे? नीतीश उपाध्याय। आज जो डॉक्टर साहब का टिकट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने एक ईमानदार निष्पक्ष प्रत्याशी चुना है। डॉक्टर साहब बहुत पुराने संघ के स्वयं सेवक रहे हैं, उसके बाद भाजपा में जब यहाँ पे पार्टी पे को कोई भी प्रत्याशी कोई भी दावेदार नहीं था, उस टाइम से भाजपा को अपने खून पसीने से सींचा है। ऐसे कर्मठ मतलब निष्पक्ष और ईमानदार प्रत्याशी हैं, गरीबों की सेवा करने वाले, गरीबों अमीरों में कभी भेदभाव नहीं करने वाले। पार्टी ने जब जो जिम्मेदारी दी है उसको हमेशा तन मन धन से, मेहनत से उस चीज़ को उन्होंने जिम्मेदारी को पूर्ण किया है, और मेरा सभी जनता से, चाहे वो किसी भी दावेदार के साथ रहे हों, आज भाई हम लोगों को एक ही वो है, भाजपा को जिताना है, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, जो रामलला को लाए थे उनको हम लाएंगे फिर से, योगी जी का को भगवा ध्वज फहराएंगे। इसलिए मेरा सभी दावेदार जो भी हैं उनसे कहना है कि जिसे भी पार्टी ने टिकट दिया है, तन मन धन से आप लोग उन्हें लगाएं और सहयोग करें, हो सकता है पार्टी आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को भी कहीं ना कहीं सेट कर दें।
धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया जा रहा है। आगे भी हम आपको इस तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। देखते रहिए परवेज अंसारी।